वेलकम बैक फ्रेंड। तो देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें कई तरह की चिंताएं लोगों के मन में पैदा हो रही है। और इस बीच बिहार में अचानक 11 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान को बंद करने के अचानक फैसले से अब लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन की चर्चा को लेकर पूरे देश में यहाँ पर विशेषज्ञों ने क्या कुछ राय दिया है और यहाँ पर क्या है सच्चाई लॉकडाउन लगने की। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको बताने जा रहे कुछ खास अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए है। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी आप सबों के लिए खास अपडेट्स हम लाते रहेंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए खबर में चलते आपको बताते हैं कि एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के मुताबिक इस महीने कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का पीक देखने को मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने कुछ पाबंदियों को जरूरी बताया है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी के लिए उन्होंने लोगों के लापरवाह रवैये को जिम्मेदार ठहराया। वहीं वायरस के नए वेरिएंट्स के कारण भी संक्रमण तेजी से फैलने का भी कारण बताया है। भारत में पिछले दिनों कोरोना वायरस के कई वेरिएंट सामने आए हैं जिन्हें अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले दिनों दिल्ली, महाराष्ट्र और कुछ अन्य स्थानों पर सार्स यानी कोविड-2 के नए डबल म्यूटेंट और ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में सबसे पहले नज़र आए 3 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलने की बात कही थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बताया जा रहा है कि इसकी बेकाबू रफ्तार 15 से 20 दिनों में पीक पर पहुँचने वाला है। संक्रमण के रोज़ाना नए मामले के लिहाज से देखें तो भारत पहले नंबर पर आ रहा है। रोज़ाना यहाँ पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और स्थिति थोड़ी भयावह नज़र आ रही है। संक्रमण की तेज़ रफ्तार के बीच अब लॉकडाउन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अब विशेषज्ञों ने कहा है कि इस वक्त देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है जैसा कि बीते साल केंद्र सरकार ने घोषित किया था, लेकिन कई राज्यों ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अब यहां पर कुछ प्रतिबंध के बारे में कहा गया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए जहां अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण पर जोर दिया गया है, वहीं टेस्ट की संख्या बढ़ाने, संक्रमित लोगों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें उपचार मुहैया कराने पर जोर दिया गया। तो यहाँ पर लॉकडाउन पर कहा गया है कि संभव है कि फिर से लॉकडाउन लगाना व्यवहारिक नहीं हो, पर अगर ज़रूरत पड़े तो गैर जरूरी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में बड़ी संख्या में संक्रमण मामले आ रहे हैं उन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। यहाँ पर एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि अगर जल्दी ही कोरोना को बेकाबू रफ्तार को काबू नहीं किया जाएगा तो काफ़ी मुश्किल हालात से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली का हालात उन्होंने देते हुए उदाहरण कहा कि यहाँ पर अस्पतालों में बेड की ज़रूरतों को लेकर 200% का इजाफा देखा जा रहा है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहाँ एक महीने पहले रोजाना करीब 130-140 सामने आ रहे थे मामले, वहीं बीते एक सप्ताह में 10 गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब तक मात्र यहाँ पर 10 लोगों की जान गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, लॉकडाउन ही इसका समाधान नहीं है ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है। इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर इस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। तो यहाँ पर लॉकडाउन पूरी तरह से देशव्यापी लॉकडाउन लगने के उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कोरोना के हालात बेकाबू रहे तो कई क्षेत्रों में लॉकडाउन लग सकता है। तो यहाँ पर कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के खास अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं एक और खास खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।